नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लोडर ज्ञान में। दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ आप सबके बीच एक नया वीडियो लेके, एक नया ज्ञान लेके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इस लोडर का टायर के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इस लोडर का नाम है लिगोन, मॉडल नंबर 848H है, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोग इसके टायर के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके टायर में हवा कितना पकड़ा जाता है और इसके टायर का साइज़ क्या है, नंबर क्या है, और इसमें व्हील बोल्ट जो लगे हुए हैं डिस्क में वो कितने हैं और कौन से स्पैनर से इसको खोला जाएगा, वो सभी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को पूरा देखें, बढ़ा फड़ा के ना देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए, अन्यथा आपको आधा अधूरा जानकारी मिल पाएगी अगर आपको बढ़ा के देखेंगे वीडियो को। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सीधे जो है लिए चलता हूँ टायर के पास और एक एक जानकारी आपको बताता हूँ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके आगे वाला टायर से, फ्रंट टायर से, ठीक है। और आपको सबसे पहले इसके टायर का साइज़ बताता हूँ कौन सा साइज़ है इसका, उसके बाद बताऊँगा आपको कि इसमें हवा कितना डाला जाता है, ठीक है, और इसमें व्हील बोल्ट कितने लगे हैं वो भी बताऊँगा, कौन से स्पैनर से खोला जाता है वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले इसके टायर का साइज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इसके टायर का साइज़ है 23x25, ठीक है, 23.5-25 इसका टायर का साइज़ है, ठीक है। और ये रहा इसका डिस्क, ठीक है, इसी में टायर सेट है। और इसमें कितने व्हील बोल्ट लगे हैं वो भी आपको बता देता हूँ, टोटल इसमें 12 व्हील बोल्ट लगे हैं और कहाँ लगे हैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 व्हील बोल्ट लगे हैं। इसको खोलने की बात करें दोस्तों तो 30-32 का स्पैनर लगेगा, इसमें 30-32 का स्पैनर सेट आता है, उसी से खुलेगा। और इसमें हवा कहाँ से भरते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका नेक है, ट्यूब नेक, यहाँ से जो है इसमें हवा डालते हैं। और इसमें हवा की बात करें दोस्तों तो इसमें 60-70 पॉइंट PSI हवा डाला जाता है, जिसमें जो है 70 रख सकते हैं आप, लास्ट 70 तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलिए अब आपको पीछे वाला टायर के बारे में बता देता हूँ। इसका भी टायर साइज़ जो है नंबर सेम है, आप देख सकते हैं सेम नंबर है, व्हील बोल्ट जो है सेम लगे हुए हैं। और हवा दोस्तों इसमें आगे वाला टायर के मुकाबले इसमें कम डाला जाता है, इसमें कम से कम आप 5-10 पॉइंट कम रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको जो है वो साइड के टायर के बारे में बता देता हूँ, उसका नंबर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये वाला टायर का भी नंबर सेम ही रहने वाला है, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। यहाँ पे देखिए 23x25 इसका टायर का नंबर है और व्हील बोल्ट सेम वही रहेंगे 12। हवा भी इसमें जो है वही 60-65 रख सकते हैं, आगे वाले टायर के मुकाबले इसमें 5-10 पॉइंट कम रख सकते हैं, ठीक है। स्पैनर खोलने का इसको जो है 30x32। और फिर इसका आगे वाला टायर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका भी नंबर जो है सेम रहने वाला है 23x25, ठीक है, टायर नंबर है और व्हील बोल्ट उतने ही रहेंगे। और हवा इसमें दोस्तों 70 पॉइंट कम से कम रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें लोड पड़ता है, जब आगे बाकी आप भरोगे तो इसमें लोड ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा रखना पड़ेगा पीछे वाला टायर के मुकाबले, ठीक है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको कैसे चलाते हैं उसका वीडियो लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन में, वहाँ जाके इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सूचना सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।